अभी अभी मैं पहुंचा हूं लवारी टनल पे। यहां पे गाड़ी रुकी है, एक साइड पे गाड़ियां आती हैं तो फिर दूसरी साइड से गाड़ियां जाती हैं। और इधर काफ़ी स्नोफॉल हुई है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। काफ़ी खूबसूरत मंज़र है। अभी हम आए हैं अयून चित्राल के पीछे, थोड़ा एक गांव है। उधर अयून में एक अयून फोर्ट है जिधर हमने स्टे किया है। एक मतलब अयून फोर्ट इन के नाम का होटल है, फोर टाइप होटल बना हुआ है। अभी उसके व्यू दिखाता हूँ। तकरीबन हम यहाँ पहुँचे हैं 2:30 बजे। और इस्लामाबाद से चला था रात को 2 बजे, अब दिन के 2 बजे हो, दिन के 2:30 बज चुके हैं। तकरीबन 12.5 घंटे का सफ़र था। तो मेरा सफ़र असल में 12:30 शुरू हो गया था इस्लामाबाद से, पहले टैवर टर्मिनल पे, फिर टैवर टर्मिनल से 2 बजे फिर इधर निकले हैं इधर के लिए। और रास्ते में एक ब्रेक लगाई थी हमने अपर दीर, तो अब इधर पूरा दिन रेस्ट करेंगे क्योंकि सारी रात सो नहीं सके। तो कल हम जाएंगे बम्बरीत, जिसे कैलाश वैली कहते हैं, और वहाँ के देखेंगे। अभी इधर थोड़ा सा ड्रोन की अपनी पहली फ़्लाइट लेंगे। हाँ जी भाई जान, सुबह के इधर 7 बज रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। ये अभी तक अयून में ही है, इसके बाद हमने जाना है इधर से कैलाश, जो 1 से 2 से 3 भी घंटे लग सकते हैं जाते हुए, क्योंकि कैलाश जाने का इधर से रास्ता काफ़ी ख़राब है। फिर 2 दिन उधर स्टे करने, तो उधर कैलाश जाके फिर उधर देखेंगे क्या हालात है, कैसा फेस्टिवल चल रहा है। अभी इधर तो फ़िलहाल सब सोए ही हुए हैं, ये आप देख सकते हैं पीछे। बस आप ये चेक करें, ये हम वादी कैलाश में पहुंचा है। तकरीबन अयून से इधर तक आते हुए हमें 1.5 से 1.5 घंटा लगा। और इस सर्दी काफ़ी है, पानी हर जगह जमा हुआ है, बर्फ़ बना हुआ है और पानी चल भी रहा है छोटी छोटी नदियों की शक्ल में। और यहाँ कल तकरीबन मेन इवेंट डे होगा, जो ये कैलाशा का मेला होता है। तो आज अभी इधर एक नाइट स्टे करेंगे, कल मेला अटेंड करेंगे और उसके बाद फिर वापसी करेंगे। तो अभी आपको इधर बम्बरीत गाँव है ये कैलाश का, इसके व्यू दिखाते हैं।
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on कैलाश के गांव में हम घूमने अभी जा रहा था घूमने, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वापस होटल जा रहा हूँ। सर्दी नहीं बर्दाश्त होती भाई, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत चढ़ के यार। हाँ जी भाई जान, सर्दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है हम कैलाश के व्यूज आया करते। सर्दी लगती है तो लगे, लेकिन ऐसे व्यू हमको उधर कहाँ मिलने हैं। बस आप व्यू चेक करें, वो देखें पीछे पहाड़ों पे बर्फ। अबे अपन को पहाड़ तो बहुत पसंद है, लेकिन उन पे अगर बर्फ़ पड़ जाए तो मज़ा ही कुछ और आ जाता है। और ये कैलाश में कब्रें हैं जो मुसलमानों की बनाई हैं। जो कैलाशी इधर के रहने वाले हैं वो कब्रिस्तान नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते मुझे नहीं पता, गूगल कर लो। ये
यहाँ पे इंसानों को इधर ही ज़िंदा फेंक दिया जाता है जी, जब वो अपने वफात पाते हैं तो ये इंसानों की हड्डियाँ पड़ी हैं, ये कैलाशियों का कब्रिस्तान है। तो ये कुछ लोग हैं जो वसीयत कर जाते हैं कि हमें ज़िंदा जंगल में फेंक आए, तो ये बस वही के मनाजिर हैं। आए हाय, कुछ डब्बों में हड्डियाँ हैं, कुछों में नहीं हैं। ये नीचे पड़ी है हड्डी, ये सब इंसानों की हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। ये भी है जी, ये मेरे हाल है लेग पीस है इंसान का। बहुत अच्छे व्यू हैं, और फिर हम को अब इतना लपेट लपूट के भी सर्दी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हाथ तो जम रहे हैं और ग्लव्स भाई के पास है नहीं है, तो इसलिए भाई वापस होटल जा रहे। तो फिर खुदा हाफिज़ आज के दिन के लिए।